चलो करते हैं स्टार्ट। ऑनलाइन तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे रहने तो, चलने तो, क्या दिक्कत है? आठवां दिन है, 18वें दिन तक खत्म हो जाएगा, 2 हफ्ते और। क्या डिस्कस करेंगे हम? एएसए मैनेजमेंट। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हम, तो प्रैक्टिकल में पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा रिलेटेड टू डिफॉल्ट बिहेवियर, ताकि मेक श्योर हो सके कि डिफॉल्ट बिहेवियर क्लियर हो गया, क्योंकि बस एक बार पढ़ लेने से या फिर 2 3 बार पढ़ लेने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास किसी नेटवर्क में कोई फायरवॉल डिप्लॉयड है और फायरवॉल को हमें मैनेज करना है, मतलब फायरवॉल का अगर हमें कंसोल लेना है, कॉन्फ़िगर करनी है फायरवॉल पे कुछ भी चीजें, तो देर आर टू वेज टू कॉन्फ़िगर एएसए, वन इज फ्रॉम सीएलआई एंड वन इज फ्रॉम जीयूआई। सीएलआई, सीएलआई बोले तो कमांड लाइन रेफरेंस, और जीयूआई बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सीएलआई से अगर मुझे फायरवॉल को मैनेज करना है, फायरवॉल को एक्सेस करना है, एक तो है कंसोल पोर्ट, दूसरा है टेलनेट और एसएसएच। जीयूआई मतलब वेब पेज के थ्रू एक ही ऑप्शन है, विच इज HTTPS। फायरवॉल को हम वाया HTTP मैनेज नहीं कर सकते, बिकॉज HTTP इज नॉट ए सिक्योर प्रोटोकॉल। तो अभी हम ये तो नहीं सीखेंगे कि फायरवॉल को हम कैसे कंसोल पोर्ट के थ्रू मैनेज करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिमोट मैनेजमेंट ऑफ एएसए। टेलनेट कैसे कर सकते हैं हम, SSH कैसे कर सकते हैं, या फिर HTTPS एक्सेस। पीछे तक आवाज आ रही है? सही, ठीक है। तो आज हम ये तीनों सर्विसेज इनेबल करेंगे फायरवॉल पे, टेलनेट या फिर SSH। जब भी हम किसी डिवाइस को करते हैं तो मेनली हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डिवाइस को मैनेज करने के लिए, जैसे कि फुटी या फिर
सिक्योर सीआरटी, राइट? और जीयूआई, जीयूआई से अभी तक हम क्या समझते हैं, वेब पेज के थ्रू किसी भी डिवाइस को क्या करना, मैनेज। बट फायरवॉल को जब भी हम एचटीटीपीएस के थ्रू मैनेज करेंगे, वेब पेज यूज नहीं होता, एक टूल होता है एएसडीएम टूल। एएसडीएम टूल इज यूज्ड टू मैनेज द डिवाइस। अब ये है क्या टूल, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप फेसबुक को वेब पेज के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो और फेसबुक ऐप के थ्रू भी, ठीक है? फेसबुक ऐप से बस आप किसको मैनेज कर सकते, एक्सेस कर सकते हो, फेसबुक को। तो उसी तरीके से ASDM भी क्या है, एक ऐप जिससे कि आप डिवाइस को क्या कर सकते हो, मैनेज वाया HTTPS। पढ़ेंगे जब ये कल कवर होगा, आज तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं स्पीड कैसी रहती है, ठीक है? थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं कि टेलनेट इनेबल करना हो तो कैसे इनेबल करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। पॉइंट को ध्यान से पूरा पढ़ना, बाय डिफॉल्ट ऑल दी सर्विसेज All the remote services are disabled. By default, ना तो आप फायरवॉल को टेलनेट कर सकते हो, ना ही SSH और ना ही HTTPS। कंसोल पोर्ट एक्सेस होता है बस एक, ठीक है? All the services are disabled. And if we want to enable any remote management service, be it telnet, be it SSH or be it HTTPS, there are two things to be configured. अभी तक हमने router पे telnet को enable किया था, SSH को enable किया था। router पे जब भी हमें telnet को configure करना होता है तो बस एक ही चीज होती है, telnet को enable कर दो और telnet access हो जाता है। SSH करना है, SSH को enable कर दो, SSH access हो जाएगा। Firewall पे जब भी हमें कोई भी सर्विस इनेबल करनी है, there are two things that we have to configure. पहला, enable the service. जो भी सर्विस हमें allow करानी है, हमें उस सर्विस को क्या करना पड़ेगा, enable. अगर मैं चाहता हूं कि Firewall को हम telnet कर पाएं, तो फायरवॉल पे हमें टेलनेट को क्या करना पड़ेगा, इनेबल। एसएसएच करना है मुझे फायरवॉल को, तो क्या करना पड़ेगा, एसएसएच को इनेबल डिवाइस पर। और इसके बाद टेल विच आईपी कैन मैनेज दैट सर्विस, और टेल विच आईपी कैन एक्सेस दैट सर्विस। कर ही लेते हैं रिकॉर्ड। ओके, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम डिवाइस पर टेलनेट, एसएसएच या फिर एचटीटीपीएस को क्या कर सकते हैं, इनेबल। अब टास्क करने से पहले हम ये चीज समझ लें एक बार कि जब भी मुझे फायरवॉल पे कोई भी रिमोट मैनेजमेंट सर्विस को इनेबल करना है तो दो चीजें कन्फिगर करनी है, एक तो जो भी सर्विस को अलाउ कराना है उसको इनेबल करना है, और दूसरा ये बताना कि कौन कौन सी आईपी
उस सर्विस को एक्सेस कर सकती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक राउटर की, अगर मैंने राउटर पर टेलनेट इनेबल किया, मान लेते मैंने राउटर पर क्या किया, टेलनेट इनेबल, टेलनेट इनेबल करने के बाद मैं इस राउटर को जो भी आईपी इस राउटर तक रीचेबल है, यहां से टेलनेट कर सकता हूं, यहां से टेलनेट कर सकता हूं, या फिर यहां से किसी भी आईपी से क्या कर सकते हैं हम, टेलनेट, जो भी आईपी रीचेबल है। लेकिन फायरवॉल में ऐसा नहीं होता। अगर मैंने फायरवॉल पे टेलनेट को इनेबल कर दिया, टेलनेट को इनेबल करने के बाद भी ना तो मैं इनसाइड से एक्सेस कर पाऊंगा, ना ही आउटसाइड से, और ना ही डीएमजेड से। इनेबल करने के साथ साथ आपको यह बताना पड़ेगा कि किस आईपी से आप चाहते हो कि कौन सा आईपी फायरवॉल को मैनेज कर पाए। अब ऐसा क्यों है कि हमें बताना पड़ रहा है कि कौन कौन सी आईपी से एक्सेस हो? सिक्योरिटी फीचर, सिक्योरिटी डिवाइस है फायरवॉल, तो इसी कारण हमें बताना पड़ता है कि फायरवॉल को हम किस किस आईपी से मैनेज कर सकते हैं। अब याद रखना, ये जो दो पॉइंट है, दीज टू पॉइंट्स विल बी फॉर टेलनेट, एसएसएच और एचटीटीपीएस। मैंने यहां पर लिखा भी है एनी रिमोट मैनेजमेंट सर्विस, तो इसमें तीनों की तीनों सर्विस क्या हो जाएंगी, इंक्लूड। इतना आया समझ में? ठीक है। बाय डिफॉल्ट टेलनेट इनेबल रहता है, डिसेबल रहता है फायरवॉल पे? डिसेबल। ठीक है, तो अभी करते हैं टेलनेट को इनेबल। पहले टेलनेट सीख पढ़ेंगे, फिर एसएसएच, फिर एचटीटीपीएस। बट उससे पहले जो कल हमने लास्ट टाइम क्लास जहां पे छोड़ी थी, वहीं पर उसी क्लास के कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, फायरवॉल पे ये तीनों आई इंटरफेसिस को कॉन्फ़िगर किया था, राइट? और मैंने आपको ये समझाया था कि डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है। जब भी फायरवॉल के थ्रू कोई पैकेट पास होगा, तो फायरवॉल उस पैकेट को पास करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, ड्रॉप करेगा। ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, डीएम जेड और सिक्योरिटी लेवल 50। एक बार मैं देख लेता हूँ तीनों इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। राउटर पे तो कॉन्फ़िगरेशन होगी पहले से। डीएम जेड की जो सिक्योरिटी लेवल है वो 50 होती है बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, मैंने लिखवाया था जब मैंने नेम इफ पढ़ाया था आपको। फॉर नेम इफ इनसाइट बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी लेवल इज 100, फॉर एनी अदर नेम नेम इफ इज, सॉरी, सिक्योरिटी लेवल इज 0। तो बाय डिफॉल्ट तो 0 होगा। राउटर वन होस्ट नेम है तो कॉन्फ़िगर्ड है, राउटर टू होस्ट नेम, राउटर थ्री होस्ट नेम, फायरवॉल पे कुछ नहीं है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, अभी फायरवॉल के तीनों इंटरफेसिस को कॉन्फ़िगर करके सेव कर देता हूँ ताकि बार बार ना करना पड़े। इनेबल होस्ट नेम ASA1। पीछे तक दिखाई दे रहा है या थोड़ा ऊपर करूं? इंटरफेस गिग 0/0, नो शर्ट, नेम इफ इनसाइड, आईपी 1.10। ठीक है, फायरवॉल पर जब भी हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, स्पेसिफाइंग सबनेट मास्क इज ऑप्शनल। सर, वो नेम इफ इनसाइड वाला कमांड नहीं चला है क्या? चल गया, चल गया। ओके क्या बोला मैंने अभी, जब भी हम फायरवॉल के किसी इंटरफेस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, सबनेट मास्क बताना क्या है, ऑप्शनल। बताना है बताओ, नहीं तो मत बताओ, क्लास फुल ले रहेगा। अगर मैंने सबनेट मास्क नहीं बताया तो फायरवॉल अपने आप ही देख लेगा कि अच्छा ये आईपी किस सबनेट मास्क, किस क्लास का है। क्लास सी का है तो सबनेट मास्क अपने आप क्या हो जाएगा, क्लास सी। सबनेट मास्क बताना ऑप्शनल है, लेकिन फायरवॉल जब भी आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करेगा तो सबनेट मास्क हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, ये देखो, शो रन इंटरफेस गिग 0/0,
क्या? अरे फायरवॉल है, फायरवॉल पे डू लगाने की जरूरत नहीं है, आप प्रिविलेज एग्जेक मोड की कमांड कॉन्फ़िगरेशन मोड से चला सकते हो बिना डू के। काम आसान हो गया ना, आईपी एड्रेस से सबनेट मास्क नहीं बताना, एंटर कर दो। ये देखो सबनेट मास्क लिया इसने, लेकिन कौन सा क्लास, सी का। तो इंटरफेस गिग 0/1 नो सेट नेम इफ डीएमजेड सिक्योरिटी लेवल 50 आईपी एड्रेस 2.10 इंटरफेस गिग 0/2 नो सेट नेम इफ आउटसाइड आईपी 3.10 इसको कर देते हैं सेव। राइट ठीक है, आज कोई स्टूडेंट ऐड हुए हैं तो आप तो अगर फायरवॉल के बेसिक पता है तो समझ में आ जाएगा रुद्र, नहीं तो हम दो तीन क्लास कर चुके हैं। कितनी क्लास होगी फायरवॉल की? दो क्लास हो चुकी है सर, मैं कवर कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कवर करने का। ओके, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं फायरवॉल से, राउटर 1 को पिंग करके, राउटर 2 को पिंग करके और राउटर 3 को पिंग करके। आज वैसे अब थोड़ा टाइम लग जाएगा, आधा घंटा तक लगेगा क्वेश्चन पूछने में। 1.1 पिंग हो गया, 2.1 पिंग हो गया, 3.1 पिंग हो गया। किस किस को डिफॉल्ट बिहेवियर अच्छे से पता है, सवाल पूछे जाएंगे ना। अब किसी का हाथ नहीं उठ रहा है भपिन। वेदांत, अभिषेक, हाँ तुमने तो बताए थे। चलो पहला सवाल अभिषेक से पूछते हैं। अगर मैं राउटर 3 से राउटर 2 को पिंग करता हूं, पिंग होगा? नहीं होगा। होगा? चलो ठीक है। अच्छा आकाश के पीछे जो बैठे हैं भाई, हाँ आप, हाँ राउटर 3 से राउटर 2 को पिंग करूंगा, पिंग नहीं होगा, लेकिन क्या पैकेट राउटर 2 तक पहुंचेगा? अरे कोई मत बोलो बीच में। नहीं। संदीप? नहीं। हाँ भाई नहीं, रीजन बताओ। क्योंकि पैकेट जब यहां पर आएगा, पैकेट आया फायरवॉल के लोअर सिक्योरिटी लेवल, पैकेट जाना है इन आउटसाइड से डीएमजेड, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर कौन सा पॉइंट हुआ? सेकेंड पॉइंट पे ही पैकेट क्या हो गया? डिनाई। पैकेट यहीं पर क्या हो गया? पैकेट यहां तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं R1 से R3 को टेलनेट करता हूं, टेलनेट होगा? श्रीकांत, टेलनेट क्या हो जाएगा? टीसीपी यूडीपी बाय डिफॉल्ट फायरवॉल क्या करता है? इंस्पेक्ट, मतलब जब पैकेट जाएगा पैकेट इंस्पेक्ट होगा, कनेक्शन टेबल बनेगा, पैकेट जब वापस आएगा कनेक्शन टेबल से मैच करेगा और चला जाएगा। समझ में आया? धनंजय, मान लेते हैं मैंने, देखो बाय डिफॉल्ट तो टीसीपी यूडीपी इंस्पेक्ट होता है, मैंने फायरवॉल पे आईसीएमपी को भी इंस्पेक्ट करा दिया, ठीक है, क्या R1 से R3 पिंग होगा? हाँ भाई होगा और ड्रॉप हो जाएगा। रुको रुको, आप रुको 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 रुको, हाँ नहीं होगा। आकाश हो जाएगा क्योंकि सर कनेक्शन टेबल मेंटेन होगी सर जब रिक्वेस्ट। ठीक है ठीक है, बस
हाँ क्यों? ठीक है, मैंने अभी क्या बोला, अगर मैंने आईसीएमपी को भी इंस्पेक्ट करा दिया, इंस्पेक्ट का मतलब क्या है, स्टेटफुल बिहेवियर बना दिया मैंने आईसीएमपी के लिए भी, बाय डिफॉल्ट होता तो टीसीपी यूडीपी के लिए है, लेकिन आईसीएमपी को भी बना दिया तो क्या होगा, हो जाएगा। इस कमांड से आईसीएमपी क्या हो जाता है, इंस्पेक्ट। अब ये कमांड चलाने के बाद अगर मैं पिंग करता हूं 2.1 को, पिंग हो जाएगा, 3.1 को हो जाएगा, ठीक है। आखिरी सवाल, अगर पवन, टीसीपी यूडीपी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंस्पेक्ट है कि नहीं। हाँ, अगर मैं R2 से R1 को टेलनेट करता हूं टीसीपी, तो क्या टेलनेट होगा? टीसीपी तो बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट होता है, होगा या नहीं होगा? श्रीकांत, वाई नो? बिकॉज फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक इज डिनाइड। अगर कोई प्रोटोकॉल इंस्पेक्ट होता है फायरवॉल पे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोअर टू हायर भी चला जाएगा। इंस्पेक्ट होने का मतलब क्या है, रिप्लाई ट्रैफिक इज अलाउड। अगर पैकेट को पास करना है तो क्या करना पड़ेगा, अलाउ कराना पड़ेगा। पैकेट अगर पास होगा तो ही क्या होगा, वो इंस्पेक्ट। आया समझ में? कौन सा रिप्लाई, टेलनेट? हाँ, टेलनेट पिंक करते हैं, पिंक को भी मैंने इंस्पेक्ट करा दिया। इसलिए तो इंस्पेक्ट करा रहे हैं ताकि रिप्लाई ट्रैफिक जा सके। अगर इंस्पेक्ट करा दिया तो पैकेट जब वापिस आएगा तब कोई मतलब नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हो, पैकेट को इंस्पेक्ट कराने से हम फायरवॉल को ये बोल रहे हैं कि भाई अगर तुमने कोई पैकेट कनेक्शन टेबल से मैच किया तो उस टाइम पे सिक्योरिटी लेवल चेक मत करो, ठीक है। वो क्लास देख लेना, स्टेटफुल वाली। चलो भाई ठीक है, सारे सवाल तुमने सही बताए तो जल्दी हो गए, नहीं तो बहुत टाइम लगता है मुझे। देखते हैं जोश कब तक रहता है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, टेलनेट को इनेबल करते हैं। अगर मुझे फायरवॉल पे टेलनेट को इनेबल करना है तो दो चीजें होंगी, बताना किस आईपी टेलनेट को इनेबल करना, और दूसरा क्या, बताना किस आईपी से हम टेलनेट कर सकते हैं डिवाइस को। देर आर टू थिंग्स, तो लिखते हैं टास्क और करते हैं स्टार्ट। ये टॉपिक जब हम सीसीएनपी में स्टार्ट करेंगे दोबारा फायरवॉल, तब रिपीट नहीं होगा। तो अभी कोई स्टूडेंट अगर ये सोच के चल रहा है कि अभी एनएचएल रहने देते हैं, तो प्लीज चेंज योर थिंकिंग। जो टॉपिक अभी सीसीएनए में कवर हो रहा है वो दोबारा कवर नहीं होगा, क्योंकि जिस डिटेल में मैं अभी कवर कर रहा हूँ उतनी डिटेल में तब कवर होगा, ठीक है। डिटेल क्या, बेसिक बेसिक टॉपिक है। तो टास्क है पहला, इनेबल टेलनेट ऑन ASA1 एंड मेक श्योर R1 कैन टेलनेट ASA1। वेदांत, किस आईपी से हमें टेलनेट करना है, किस आईपी से हमें ASA को टेलनेट करना है, बताओ दोबारा। अरे देख के बताओ ना, 1.1 टास्क में लिखा है R1 टेलनेट कर सके, इसका मतलब R1 से मुझे टेलनेट अलाउ कराना है, और R1 का आईपी क्या है, 1.1। तो चलो ये टास्क करते हैं, सिंपल सा टास्क। अब ये टास्क करने के लिए हमें क्या करना है, एक तो हमें टेलनेट को इनेबल करना है,
और दूसरा ये बताना है कि किस आईपी से फायरवॉल को टेलनेट कर पाए। तो पहले करते हैं स्टेप वन। आईपी दे दो, सबनेट दे दो, एनी सब चलेगा। स्टेप वन क्या है? इनेबल टेलनेट। टेलनेट कर रहे हैं तो टेलनेट को इनेबल करेंगे। अब टेलनेट को इनेबल करने के लिए हमें क्या करना होता है? सेट टेलनेट पासवर्ड यूजिंग यूजिंग शॉर्ट फॉर्म ऑफ पासवर्ड या फिर पासवर्ड कमांड। ये दोनों कमांड हम यूज कर सकते हैं टेलनेट पासवर्ड को सेट करने के लिए। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में बस हमें ये कमांड रन करनी है टेलनेट पासवर्ड सेट करने के लिए। फायरवॉल पे लाइन कंसोल, लाइन बीटीवाई नहीं होता, ये लाइंस नहीं होती। जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है कहां पर होती है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, बाय डिफॉल्ट टेलनेट पासवर्ड इज सिस्को। टेलनेट को इनेबल करने के लिए हमें क्या करना होता है? टेलनेट पासवर्ड सेट करना होता है और टेलनेट पासवर्ड बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड होता है। इसका मतलब क्या है? टेलनेट इज बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ऑन एएसए। लेकिन फिर भी अगर पासवर्ड हमें सेट करना हो, चेंज करना हो, तो कमांड क्या होती है? पासवर्ड। ठीक है, क्लियर, आया समझ में? अब अभी हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं दैट इज ऑन वर्चुअल फायरवॉल, नॉट ऑन फिजिकल फायरवॉल। तो हो सकता है बाय डिफॉल्ट कोई टेलनेट पासवर्ड ना हो, मतलब सिस्को एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो एक बार हम कॉन्फ़िगर कर ही देते हैं पासवर्ड। ये कमांड भी यूज कर सकते हैं या फिर ये कमांड, पासवर्ड सिस्को। टेलनेट इनेबल हो गया। आपका नाम? अभिनव। टेलनेट को मैंने फायरवॉल पर इनेबल कर दिया। इस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल है 100। क्या मैं R1 से फायरवॉल को टेलनेट कर पाऊंगा? हो जाएगा। कश्मीर, आपका नाम? आमिर। नहीं होगा, सिक्योरिटी लेवल 100 है। अभिषेक, होना चाहिए, सिक्योरिटी लेवल तो 100 है। हाँ भाई, श्रीकांत, तुम्हारा ध्यान फोन पर है, कॉल पर? धनंजय, नहीं होगा। लक्ष्मण, नहीं होगा। देखो, जब मैंने सवाल पूछा मैंने आपको कंफ्यूज किया और आप कंफ्यूज हो गए। टेलनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अभी तक ये नहीं बताया कि किस आईपी से हमें इनेबल करना है। अब देखो, अगर आपने गलत आंसर दिया, इसके दो चीजें, दो कारण हो सकते हैं। पहला, आपका ध्यान यहां पर नहीं है। जब मैंने ये पढ़ाया था ऊपर वाला पॉइंट, हो सकता है अब आपका ध्यान हो। दूसरा, जो मैंने वो 100 पे लिखा था ना, उस पर आपका ध्यान चला गया। बट मेन 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 कारण ये है। अभी अभी घर से आए हो ना तुम, वीकेंड के बाद, तो पूरा कुछ यादें होंगी जो ताजा कर रहे हो अभी बैठे बैठे यहीं पर। तो टेलनेट को इनेबल करने के बाद मैं फायरवॉल को टेलनेट नहीं कर सकता। कंफर्म कर लेते हैं एक बार, टेलनेट इनेबल कर दिया, राउटर वन से टेलनेट करते हैं। हुआ टेलनेट?
राउटर टू से टेलनेट कर लेते हैं, नहीं हुआ। राउटर थ्री से टेलनेट कर लेते हैं, नहीं हुआ टेलनेट। किसी भी इंटरफेस से टेलनेट नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी बात, जब मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने हाईलाइट किया था सिक्योरिटी लेवल 100। हमेशा याद रखना, जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है, वो केवल कब चेक करता है फायरवॉल, अगर पैकेट किसी एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस की तरफ जा रहा हो। अगर पैकेट कैसा हो, डेटा पैकेट थ्रू द डिवाइस, अगर मैं किसी भी इंटरफेस से फायरवॉल तक आ रहा हूं, किसी भी सिक्योरिटी लेवल से आऊं, तो डिफॉल्ट बिहेवियर चेक नहीं होगा, ठीक है। सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक है, 10 मिनट बाद क्वेश्चन पूछेंगे इस पे। अगर कोई भी ट्रैफिक फायरवॉल के थ्रू जा रहा है, दैट इज डेटा ट्रैफिक फॉर फायरवॉल, फॉर फायरवॉल दैट इज डेटा ट्रैफिक। आप पहली क्लास में आए थे तो रिवाइज करो। अगर मैंने राउटर से फायरवॉल को टेलनेट किया तो ऑब्वियसली वो फायरवॉल के लिए कैसा ट्रैफिक होगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ट्रैफिक के लिए डिफॉल्ट बिहेवियर चेक नहीं होता। सबको समझ में आया ना अभी पॉइंट? ठीक है, ओके। तो स्टेप वन कंप्लीट, टैलेंट को हमने इनेबल कर दिया, टैलेंट पासवर्ड सेट कर दिया पासवर्ड कमांड के साथ। अब हमें क्या करना है? बताना है कि किस आईपी से हम टैलेंट कर पाए, दैट इज स्टेप टू। स्पेसिफाई विच आईपी कैन टैलेंट एएसए। अभी मैंने यही समझाया था, ठीक है ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में क्या कमांड होगी? टेलनेट। अगर मुझे SSH के लिए कोई आईपी बतानी है तो SSH, HTTPS के लिए कोई आईपी बतानी है तो HTTPS, सिंपल है। FQDN नाम, DNS नेम, अभी देख लेते ऑप्शन के साथ, शायद हो सकता है। टेलनेट के बाद हम बताते हैं किस आईपी से हमें अलाउ कराना है, फिर उसके बाद उसका मास, फिर उसके बाद किस इंटरफेस से हमें अलाउ कराना है। अब अगर एक आईपी है तो /32 हो जाएगा, एक सबनेट है तो सबनेट हो जाएगा, जो भी सबनेट है, सारे टास्क हो जाएंगे अभी कंप्लीट। जैसे कि मुझे अगर एक आईपी से अभी अलाउ कराना है तो मेरी कमांड क्या होगी? टेलनेट 1.1, और किस इंटरफेस से? इनसाइड से, ठीक है। जब भी आप कोई टास्क करो, आपको सारी कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता गया, अच्छा टेलनेट करना है तो क्या कमांड होती है? टेलनेट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क ज्यादा सीख पाओगे अगर आप क्वेश्चन मार्क यूज करोगे हमेशा। तो टेलनेट के बाद क्वेश्चन मार्क मैंने यूज किया, यहां पर मैं होस्ट नहीं बता सकता हूं या फिर उसका एक आईपी, आईपी एड्रेस ऑफ होस्ट और नेटवर्क, नेटवर्क भी बता सकता हूं जिससे मुझे लॉगिन को क्या करना है? इनेबल, ठीक है। तो टेलनेट अभी मुझे एक आईपी से अलाउ कराना है 1.1, फिर उसके बाद नेट मास्क। एक और अच्छी बात क्या फायरवॉल की, फायरवॉल पर कहीं पर भी हमें वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं बताना होता, हर जगह क्या चलता है? चाहे OSPF हो, चाहे कोई ACL हो, प्रीफिक्स लिस्ट हो, हर जगह क्या है? सबनेट मास्क। तो और उसके बाद नेम, डन। अब हम फायरवॉल को टेलनेट कर पाएंगे किससे? राउटर वन से। कंफर्म कर लेते हैं, पासवर्ड
पासवर्ड पूछा, पासवर्ड क्या कॉन्फ़िगर किया मैंने, सिस्को टेलनेट हो गया, कर लो कुछ भी कॉन्फ़िगर। इस कमांड से क्या होता है, फायरवॉल की सारी कॉन्फ़िगरेशन रिमूव हो जाती है और आपकी नौकरी भी जा सकती है। मैं चला सकता हूं क्लियर कॉन्फ़िगर और एक्सक्यूज मी सर। हां जी, डू वी सेट एनीथिंग टू द राउट टू द फायरवॉल लाइक प्रिविलेज लेवल? Yes, we can set that, but right now we are not discussing that. Okay, okay. हाँ भाई, क्या हुआ, कौन डिस्कस कर रहा है, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया? एक आई डी अलाउ कराना था। हाँ होता है, जैसे एक ही पासवर्ड है तो। हाँ, जो मैंने पढ़ा है वही मुझसे पूछ रहे हो। हाँ सब होता है, करेंगे डिस्कस सब स्टेप बाय स्टेप। तो टेलनेट मैंने यहां से अलाउ कराया तो मैं राउटर वन से टेलनेट कर पाया, हो गया टेलनेट सिम। हाँ तीन आईपी क्या कराना, तो तीन आईपी बताते। अगर एक आईपी है 1.1 2.1 3.1 तो आपको अलग अलग कमांड चलानी पड़ेगी। तुम्हारे राउटिंग मतलब जब तुमने राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन किया तब तुम्हें सही से समझ में नहीं आया था। ये देखो क्या ये कमांड सही है, एक मिनट तुम ही बताना आप, क्या ये कमांड सही है? क्यों नहीं सही, सही है? कहाँ मैच कर रही है? ऐसा होना चाहिए ना, तब मैं कर सकता हूं। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं फायरवॉल पे, ठीक है। तो अभी हमने एक कमांड चलाई और ये हटा देते हैं, ये इन भाई ने चलवाई, अभी टेलनेट इनेबल कर दिया, टेलनेट करके भी देख लिया। अगला टास्क, चलो अगला टास्क करने से पहले, अभी हमने टेलनेट किया है तो मान लेते भाई मैं अगर फायरवॉल से इफ आई वांट टू चेक कि अभी किस किस आईपी से रिमोट एक्सेस हो रखा है तो कमांड क्या हो सकती है? वो तो राउटर पे थी। मैं दो कमांड बतानी भूल गया तो प्लीज मतलब मैं इसको रोक के पहले मैं वो दो कमांड बता रहा हूँ। अभी तक हमने फायरवॉल पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है और नेम इफ कॉन्फ़िगर किया, राइट? तो अगर शो कमांड होगी तो क्या होगी, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड नहीं होती, थोड़ा सा चेंज है। और नेम इफ चेक करना है तो शो नेम इफ, ये कमांड चला के आप देख लेना। अगर मुझे चेक करना है लोकली कि किसने अभी एक्सेस किया हुआ है, हाउ टू चेक रिमोट सेशंस लोकली, तो कमांड क्या होती है? अच्छा, जो कमांड है दैट इज लाइनक्स कमांड, कोई बता सकता है, किसी को है लाइनक्स की नॉलेज? बातें मत करना, मैं दो मिनट में आया। एसी भी ऑन बंद हो गया, पेन दे रहा something like ls ls with the folder name something Thank you.
तो कमांड होती है कौन है हु, ठीक है, दिस इज द कमांड टू चेक रिमोट सेशंस लोकली। अरे हाँ, वो बोलने का फर्क है बस। एक टर्मिनेट हो गया ना अपने आप, इसलिए ठीक है। 1.1 से अभी सेशन बना हुआ है, और अगर मुझे अभी टर्मिनेट करना हो तो सही है, किल किल और ये नंबर, सेशन टर्मिनेट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया टैलेंट कैसे इनेबल करते हैं? मुश्किल था नहीं? चलो अब टास्क देते हैं आपको। ये पहले सवाल पूछ लें, चलो टास्क दे देते हैं। अरे कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते? लोकली टर्मिनेट करना हो तो मान लेते, तुमने मुझे फोन करा है, अब फोन को काटने के दो ऑप्शन है, एक तो मैं काट दू खुद, एक या फिर तुम पहले बात करो फिर फोन काटो। ठीक है, तो अगर लोकली काटना हो, टर्मिनेट करना हो सेशन। अब अगला टास्क ये है, टास्क टू, इनेबल टेलनेट ऑन एयर से 1 एंड मेक श्योर यू कैन टेलनेट एयर से फ्रॉम एनी आईपी, एनी इनसाइड आईपी एंड R2 आईपी एंड R3 आईपी। हमें टेलनेट इनेबल करना है, और टेलनेट कहां कहां से करना है? इनसाइड से कोई भी आईपी टेलनेट कर सके, R2 से, सॉरी DMZ से R2 की आईपी, और आउटसाइड से R3 की आईपी। तो हमें टेलनेट को इनेबल कराना है तीनों इंटरफेसेस से, यहां से कोई भी आईपी टेलनेट कर सके, यहां से जब आए तो 2.1 और यहां से जब आए तो 3.1। ठीक है, बताओ भाई, तो बताओ क्या कमांड चलाएंगे? कमांड दिखाऊं? ये कमांड हमने रन की थी पहले, ये वाली कमांड। तुम बस बताओ, ये रहा टेलनेट क्वेश्चन मार्क। भपिन तुम बताओ, पता रहे हो, बताओ। मैंने तो बोला एनी आईपी से, किसी भी आईपी से हो सकता है, R1 के साथ 10 नेटवर्क और कनेक्टेड हो। भपिन पवन,
किसी भी आईपी से अलाउ कराना है, जैसे कि आप डिफॉल्ट राउट ऐड करते हैं ना किसी भी डेस्टिनेशन आईपी के लिए 0.0.0, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एनी आईपी एनी मास्क। अब जैसे कि फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन इजी है राउटर के मुकाबले, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 0.0, एनी आईपी एनी मास्क। फायरवॉल इसको अपने आप कन्वर्ट कर देगा किसमें, टेलनेट 0.0.0.0, ठीक है। ये देखो शो रन टेलनेट 0.0.0.0 को मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, 0, और सबनेट मास्क भी अगर ये है तो 0। डिफॉल्ट राउट भी ऐड करना है तब भी मैं ये यूज कर सकता हूं, अभी डिफॉल्ट राउट तो ऐड नहीं करेंगे हम, बट इस तरीके से हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बताओ क्या कमांड चलानी है मुझे, अभी मैंने एक कमांड चलाई फायरवॉल पर टेलनेट 00 इनसाइड, इसके लिए क्या कमांड चलानी है, और क्या और R3 के लिए ठीक है। एक बार मैं कमांड यहां पर चला देता हूं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मान लेते मेरे को सभी आईपी से सभी इंटरफेस से अलाउ कराना है तो केवल एक कमांड से मैं करा दूं। आईपी को तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन आखिरी में जो मेरे को इंटरफेस बताना होता है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकता, इंटरफेस के लिए एनी कीवर्ड नहीं है। ठीक है, चलो अब सवाल जवाब का टाइम जगा दे आपको। हाँ आप, हाँ जो अभी गाड़ी ऊपर उठ के देख रहे थे, हाँ आप क्या मैं अभी R2 से फायरवॉल को टेलनेट कर पाऊंगा, हो जाएगा। R1 से हो जाएगा, R3 से हो जाएगा, भाई जो कॉन्फ़िगरेशन के उसके अकॉर्डिंग तो हो जाना चाहिए। फोन में बिजी हो आप, लिख रहे हो, पक्का तुम फोन में बिजी नहीं हो, अच्छा ठीक है। तो पहले R1 से टैलेंट करके देखते हैं, टैलेंट हो गया, R2 से करते हैं, प्रोडक्ट है हो गया, R3 से करते हैं, हुआ टेलनेट नहीं हुआ, ठीक है। टेलनेट क्यों नहीं हुआ अभी आपको बताते हैं, बट उससे पहले एक सवाल, और ये सवाल जो आमिर के साथ बैठे हैं भाई, हाँ चलो मैं सिंपल से सवाल पूछ रहा हूँ सीधे सीधा, अगर मैं R3 से फायरवॉल के इस इंटरफेस को पिंग करता हूँ 3.10 को, मतलब आउटसाइड इंटरफेस को पिंग किया, तो पिंग होगा नहीं होगा, आमिर मतलब तुम्हारी आपस में बनती नहीं है, पवन धनंजय बराबरी पर चल रहा है, आप बताओ हो जाएगा, आप बताओ, चलो यस वाला जीत गया, क्यों नहीं होगा, आपका नाम नहीं, जिन्होंने बताया था, क्यों नहीं होगा,
और किसने बोला था नो? किसने बोला था नो? धनंजय? क्यों नहीं होगा पिंग? सिक्योरिटी लेवल जीरो है। अगर आप सभी को याद हो, मैंने 10 मिनट पहले समझाया था कि जब भी टू द डिवाइस ट्रैफिक होता है तो डिफॉल्ट बिहेवियर चेक नहीं होता। मैंने बोला भी था कि 10 मिनट बाद सवाल पूछूंगा मैं। जब भी फायरवॉल के पास कोई ट्रैफिक आएगा टू द डिवाइस ट्रैफिक, फायरवॉल सिक्योरिटी लेवल चेक नहीं करेगा। क्या सिक्योरिटी लेवल कब चेक होगा? जब ट्रैफिक किसी इंटरफेस से किसी इंटरफेस के पास जा रहा होगा। मैंने राउटर 3 से फायरवॉल को पिंग किया, क्या पैकेट फायरवॉल के थ्रू जा रहा है? इसको चेक करने का फायदा क्या? तो R3 से पिंग कर लो, R1 से पिंग कर लो, R2 से पिंग कर लो, फर्क नहीं पड़ता। और ये मैंने क्वेश्चन बस इसलिए पूछा था ताकि मैं आपको ये क्लियर कर सकूं डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है वो किसके लिए होता है, डेटा ट्रैफिक के लिए। ठीक है, क्लियर। चलो भाई अब बताते हैं आपको, हाँ कर देते हैं अलग अलग, रुक जाओ, अच्छा नहीं लग रहा। अभी हमने R3 से टेलनेट किया, टेलनेट नहीं हुआ। क्या कोई बता सकता है क्या रीजन हो सकता है? अरे यार अभी तो हमने बात नहीं की। देखो अगर मैं बात करूं पिंग की, तो जब हम R3 से फायरबोल को पिंग कर रहे हैं तो पिंग से मैं कोई मैनेज नहीं कर रहा फायरबोल को, बस मैं रीचेबिलिटी चेक कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं R3 से फायरबोल को टेलनेट करता हूं और R3 आपका इंटरनेट पे कोई राउटर या फिर कोई डिवाइस, अगर आउटसाइड से कोई मैं कनेक्शन बना रहा हूं फायरबोल के साथ, तो कोई भी अटैकर क्या कर सकता है पैकेट को कैप्चर। और टेलनेट में सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? फेलियर अटैक, इसका मतलब अटैक होने के चांसेस है। तो इसीलिए धनंजय का आंसर आपके बार सही था। हम सिक्योरिटी लेवल जीरो कहां पर रखते हैं? जो हमारा इंटरफेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर मैंने बाहर से टेलनेट को अलाउ कर दिया कमांड चला करके, तो अगर किसी अटैकर ने पैकेट कैप्चर किए, टेलनेट का सारा कम्युनिकेशन क्लियर टेक्स्ट में होता है, तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, सारी इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड। तो ऐसा ना हो इसके लिए टेलनेट इस सिक्योरिटी लेवल से क्या नहीं होता, अलाउड नहीं होता, चाहे आप कमांड चला दो। समझ में आया? अब इस सिक्योरिटी लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, देर आर सम लिमिटेशंस विद टेलनेट। टेलनेट के साथ कुछ लिमिटेशंस है। अब वो लिमिटेशंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। यहीं पर है ना ध्यान सभी का? पॉइंट को ध्यान से पढ़ लेना, मैं समझा नहीं रहा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा हूं पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है लिमिटेशंस। इफ मोर देन वन सिक्योरिटी लेवल इज कॉन्फिगर्ड, अगर एक से ज्यादा क्या कॉन्फिगर्ड है, सिक्योरिटी लेवल। क्या मैंने यहां पर यह लिखा कि एक से ज्यादा इंटरफेस? मैंने क्या लिखा है? तो जैसा लिखा है वैसे ही समझना। If more than one security level is configured, then you cannot telnet from lowest security level. जो security level सबसे कम होगा उससे आप telnet नहीं कर पाओगे। ये तो है कब? अगर एक से ज्यादा security level है। और अगर ऐसा हुआ कि एक ही security level है, तो if only वन सिक्योरिटी लेवल इज कॉन्फिगर्ड देन इट मस्ट बी 100। अगर एक सिक्योरिटी लेवल है तो वो कितना होना चाहिए? 100। सबको क्लियर है ये दोनों पॉइंट? चलो अब सवाल पूछ के क्लियर करते हैं। जो सबसे पीछे बैठे हैं भाई, आप ये बताओ क्या हो गया,
ये सिक्योरिटी लेवल है 100 और आउटसाइड का सिक्योरिटी लेवल भी कितना है 100। डीएमजेड का सिक्योरिटी लेवल है 50। इनसाइड आउटसाइड दोनों का सिक्योरिटी लेवल 100। क्या मैं R3 आउटसाइड से टेलनेट कर पाऊंगा फायरवॉल को? हाँ कर पाएंगे अभिषेक? हैं नहीं कर पाएंगे। क्यों? कौन से पॉइंट से मैच कर रहा है? फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा है? एक से ज्यादा सिक्योरिटी लेवल होंगे तो किससे नहीं कर पाएंगे? लोवेस्ट। अब अगर मैंने यहां पर 100 कॉन्फ़िगर किया, यहां पर 100 कॉन्फ़िगर किया और यहां पर 50, तो फायरवॉल पर टोटल कितने सिक्योरिटी लेवल है? दो तो हैं। तीन इंटरफेस है, सिक्योरिटी लेवल तो दो ही है। इसलिए मैंने बोला था जब यहां पर ये लिख रहा था, इंटरफेस नहीं है, सिक्योरिटी लेवल तो दो ही है ना। जो सबसे कम होगा वहां से आप टेलनेट नहीं कर पाओगे। तो अभी R3 से टेलनेट करोगे तो होगा? हाँ भाई रुको, हाँ होगा। R2 से नहीं होगा। समझ में आया? ये मान लेते हैं 60 है। कौन से इंटरफेस से नहीं होगा? 50 से। ठीक है, जो अमीर के पीछे बैठे हैं भाई, इसका सिक्योरिटी लेवल 90, इसका सिक्योरिटी लेवल 90, इसका सिक्योरिटी लेवल 90। कौन से वाले से नहीं होगा? बोलो मत, कोई और, कोई और मत बोलो। क्या? हाँ तो पढ़ो पॉइंट फिर बताओ। कहां से टेलनेट नहीं होगा मेरे को ये बताओ बस। होगा ही नहीं। हाँ तो सही तो है। अगर 90 है फायरवॉल पे, कितने सिक्योरिटी लेवल है? बस एक। तो कहीं से भी टेलनेट नहीं होगा। ठीक है, अगर एक ही सिक्योरिटी लेवल है, मतलब मान लेते हैं अगर एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है। अब एक सिक्योरिटी लेवल का मतलब ये नहीं है कि दो तीन इंटरफेस पे सिक्योरिटी लेवल सेम होना जरूरी है। हो सकता है फायरवॉल पे बस क्या हो, एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड हो, तो उसका सिक्योरिटी लेवल कितना होना जरूरी है? 100। अगर 99 भी होगा तो भी नहीं चलेगा। एक से ज्यादा है तो जो सबसे कम है उससे टेलनेट नहीं करते, कर सकते। अगर मैंने आउटसाइड का 0 रखा, इनसाइड का 100, डीएमजेड का 50, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आउटसाइड से कोई भी अगर फायरवॉल को टेलनेट करेगा तो टेलनेट नहीं होगा। इतना समझ में आया? क्लियर है टेलनेट की लिमिटेशंस? ठीक है, अभी हमने समझ लिया कि टेलनेट कैसे करते हैं और लिमिटेशन क्या है। यस, अगर हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो अगर इंटरफेस डाउन होगा तो सेशन तो अपने आप चला जाएगा। दोबारा बोलो रहना चाहिए। ये देखो, शो नेम इफ फिफ्टी वाले से अभी मैं कर सकता हूं, R2 से मैं टैलेंट कर पाऊंगा। अब मैंने क्या किया, फायरबॉल पर जाकर
जीरो बाय जीरो इंटरफेस हटा दिया, अब कितने सिक्योरिटी लेवल है, तो सेशन अभी भी है, ठीक है। करंट सेशन तो बना रहेगा ना, अब मैं इसको अगर टर्मिनेट करूं और फिर करूं तो भी हो जाएगा, क्योंकि जीरो भी तो है। अब करके देख लेना तुम, हो जाएगा। अब एक जल्दी से टास्क कर लेते हैं और उसके बाद ब्रेक। वैसे मैं सोच के आते हैं घंटा करेंगे क्लास। मैनेज करने के लिए, मैनेज करने के लिए नहीं, मैनेज करने के लिए मतलब वो डेडिकेटेड इंटरफेस होता है जो केवल मैनेजमेंट के लिए। तो ये पॉइंट ना आप ब्रेक के बाद दोबारा पूछना, तब मैं क्लियर करूंगा। अगला टास्क है टास्क 3, इनेबल टेलनेट ऑन ASA 1 एंड मेक श्योर सेशन इज ऑथेंटिकेटेड वाया लोकल डेटाबेस, पासवर्ड से ना ऑथेंटिकेशन, किससे हो, लोकल डेटाबेस से। अब आपको डिफरेंस पता होगा यूजर नेम और लोकल पासवर्ड के साथ, क्या डिफरेंस है। यूजर नेम में हम ट्रैक कर पाएंगे, तो अगर मुझे टेलनेट इनेबल करने के बाद लोकल डेटाबेस से ऑथेंटिकेशन करानी है, तो जो केवल नई कमांड है वो लिख रहा हूं बस मैं। टेलनेट कैसे इनेबल करते हैं, आईपी कैसे बताते हैं, वो नहीं लिख रहा। क्या कमांड चलेगी, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन टेलनेट कंसोल लोकल, और यहां पर आप बना दोगे यूजर नेम, जो भी यूजर नेम आपको बनाना है। फायरवॉल पर ट्रिपल ए बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इनेबल। तो यहां पर हमें ट्रिपल ए न्यू मॉडल कमांड चलाने की जरूरत नहीं, और फायरवॉल पर जो ट्रिपल ए की कमांड है वो सिंपल है। जैसे कि अगर मुझे कमांड ट्रिपल ए यूज करना है मुझे टेलनेट के लिए, तो कीवर्ड आ जाएगा टेलनेट। अगर मुझे यूज करना है SSH के लिए, तो कीवर्ड क्या आ जाएगा, SSH। HTTPS के लिए HTTPS, कंसोल के लिए कंसोल कीवर्ड। हर कनेक्शन के लिए कीवर्ड अवेलेबल है, कंसोल कीवर्ड अवेलेबल है, चाहे हमें टेलनेट करना हो, SSH करना हो या फिर HTTPS। जब भी मुझे फायरवॉल को कैसे एक्सेस करना हो, एडमिन एक्सेस, ये कीवर्ड हमेशा रहेगा, टेलनेट करना हो, SSH करना हो, HTTPS करना हो, हर केस में। और ये जो आखिरी में लिखा है लोकल, ये कैसा है, केस सेंसिटिव, और ये हमेशा क्या होना चाहिए, अपर केस। ये देखो, ब्रेक के चक्कर में थोड़ा जल्दी हो रहा है। ट्रिपल ऑथेंटिकेशन टेलनेट कंसोल कीवर्ड अवेलेबल है, ये क्या है, specify this keyword to identify a server group for which access administrator, और आखिरी में दो ऑप्शन अवेलेबल है, याद है वो, रिमोट ट्रिपल ए सर्वर, रिमोट ट्रिपल ए सर्वर यूज कर सकते हैं या फिर लोकल। लोकल के लिए कैसा कीवर्ड है, अपर केस लोकल आएगा, मैं अगर ऐसे लिखता हूं तो नहीं चलेगा, एरर। अगर मैं ऐसे भी लिखता हूं LOCL, L अपर केस, तो भी नहीं चलेगा, इट मस्ट बी एग्जैक्टली। आया समझ में, अब यूजर नेम बना दो, यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड। अब अगर आप टेलनेट करोगे, तो ये क्या पूछ रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। आया समझ में, पूछना है कुछ, क्लियर है, क्लियर। तो इसके साथ हमारा टेलनेट कंप्लीट हुआ, लिमिटेशन भी हो गई, कैसे इनेबल करते हैं, ये कमांड भी हो गई। अब ब्रेक के बाद हम करेंगे SSH को इनेबल और उसके बाद छुट्टी, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक, सही है ना, पहला घंटा यूटिलाइज हो गया अपना पूरा, ये ऐसा 2 महीने चलेगा VPN तक। हाँ बोलो, दस मिनट का ब्रेक।
7:15 पे घटने से
मैं 2-3 मिनट में आ रहा हूँ, वेट करना थोड़ा। ओके, तो अब हम करेंगे SSH को इनेबल। अगला टॉपिक है इनेबलिंग SSH। SSH task configure A7 so that any inside IP can SSH AS inside से कोई भी IP क्या कर सके ASA को SSH। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा कि जब भी हम किसी भी डिवाइस पर SSH को इनेबल करते हैं तो हमें एक क्रिप्टो की को जनरेट करना होता है, और क्रिप्टो की पर भी डिपेंड करती है आपकी SSH की सिक्योरिटी। क्लियर? तब मैं वो वाला पार्ट दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा यहां पर। अब यहां पर सीधा हम देखते हैं क्या स्टेप्स होंगे।
स्टेप वन इनेबल SSH और दूसरा स्टेप क्या होगा टेल विच आईपी कैन SSH. ठीक है, SSH को इनेबल करने के दो तीन स्टेप्स होंगे. पहला तो क्या हमें मेक श्योर करना है कि क्या हो क्रिप्टो की. दूसरा SSH में हमेशा यूजर नेम ऑथेंटिकेशन होता है तो हमें ये कमांड भी मेक श्योर करनी है चलिए हो. पर हमें क्या मेक श्योर करना है यूजर नेम पासवर्ड कॉन्फिगर्ड हो. ठीक है, SSH के लिए बस एक चीज जरूरी होती है क्रिप्टो की का होना. ठीक है, संदीप किस कमांड से हम चेक करते हैं कोई क्रिप्टो की कॉन्फिगर्ड है या नहीं. क्या मैंने अभी फायरवॉल पर कोई कमांड चलाई क्रिप्टो की नहीं. शो क्रिप्टो की माई पब की RSA. फायरवॉल पर बाय डिफॉल्ट एक क्रिप्टो की क्या होती है जनरेटेड और जिसका नाम क्या होता है डिफॉल्ट RSA कीज. ठीक है, अगर डिवाइस पर बाय डिफॉल्ट एक क्रिप्टो की होती है इसका मतलब क्या है डिवाइस पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है इनेबल्ड SSH. मुझे बस क्या कमांड चलानी है ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन SSH कंसोल लोकल. ठीक है, और इसके साथ यूजर नेम बनाना पड़ेगा क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन कराए हैं लोकल डेटाबेस के साथ. अगर मुझे की को डिलीट करने है कमांड क्या होती है नो कर देंगे. अगर मैं की को रिमूव करके दोबारा से की को जनरेट करता हूं और मैंने की का कोई नाम नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट की का नाम क्या होगा वही डिफॉल्ट RSA की. ठीक है, तो की को जनरेट कर दिया उसके बाद कमांड चलानी ट्रिपल ऑथेंटिकेशन SSH. ये देखो SSH कीवर्ड है टेलनेट कीवर्ड है सीरियल कीवर्ड है HTTP कीवर्ड है इनेबल है. किस तरीके किसके लिए आपको ट्रिपल ए कन्फिगर करना है सिंपल है कमांड आपकी कीवर्ड यहां पर कंसोल रहेगा और उसके बाद यूजर नेम मेरे पास पहले से क्रिएटेड है. ठीक है, तो ये तीनों चीजें हो गई. इसके बाद क्या करना है टेल बीच आईपी कैन SSH ASA. थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है ब्रेक के बाद चलता है. लेकिन अब ये बताने के लिए कि कौन कौन सी आईपी SSH कर सकती है क्या कमांड होगी. कमांड स्टार्ट होगी किसके साथ SSH आईपी मास्क और फिर नेम. बहुत समझदार हो तुम सारे. ये कौन थे थैंक यू वाले कौन थे जरा बताएंगे. अच्छा SSH आईपी बता दो. अभी मुझे किस आईपी से बताना था ठीक है. चलो मैं एक काम करता हूं SSH 00 DMZ SSH 00 आउटसाइड. तीनों इंटरफेस से मुझे मैंने SSH को क्या कर दिया अलाउ करा दिया. ठीक है,
अभी अगर मैं R1 से SSH करूंगा तो SSH हो जाना चाहिए, R2 से करूंगा तो R2 से भी हो जाना चाहिए, R3 से होगा SSH? नहीं होगा। अभिषेक, रोहित, नहीं होगा। धनंजय, नहीं होगा। ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले बताओ, हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए R3 से? नहीं नहीं, आप बदलने नहीं देंगे, एक बार जो कमिटमेंट कर दी। ये भाई जो नीचे देखते रहते हैं हमेशा, हाँ आप बताओ। सही बोले, बिल्कुल। देखो टेलनेट के केस में लिमिटेशन क्यों थी? टेलनेट प्लेन टेक्स्ट में था। तुम्हारा जवाब गलत हो चुका है। SSH के केस में SSH क्या होता है? SSH इज सिक्योर प्रोटोकॉल। अब आप इनसाइड से करो आउटसाइड से करो क्या फर्क पड़ता है? तो SSH के साथ कोई लिमिटेशन नहीं है, आप SSH किसी भी इंटरफेस से कर सकते हो, किसी भी सिक्योरिटी लेवल से। तो पहले मैं आपको इनसाइड से करके दिखा देता हूं। SSH-L 1.10। अब मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर तो है नहीं जहां से मैं टेलनेट कर SSH करूं। अरे मैंने यूजर नेम गलत डाल दिया ना, यूजर नेम प्रवीण है ना। हो गया SSH। R2 से करते हैं। हो गया, R3 से करते हैं आउटसाइड से। बंद करके पूछ रहे हो, ऑन करनी या नहीं करनी? रहने दो, अब रहने दो, बस हो गई क्लास, इनका मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का। हो गया तीनों राउटर से SSH। तो SSH के साथ कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो भी चीज मैंने आपको राउटर पे बताई थी वो कर सकते हैं। अब जैसे हमने SSH टेलनेट के बारे में डिस्कस किया था कि हम सेशंस को लोकली कैसे चेक कर सकते हैं, SSH के लिए क्या कमांड होगी? हाउ टू चेक SSH सेशन लोकल। ये टेलनेट का बताएगा बस। और अगर मुझे टर्मिनेट करना हो तो किल टेलनेट के लिए बस। अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया फायरवॉल, है ना, अलग अलग कमांड है अलग अलग फीचर के लिए। डन। SSH के साथ कोई लिमिटेशन नहीं है, टेलनेट के साथ लिमिटेशंस हैं। रियल टाइम में कौन सा ऑप्शन यूज होता है? SSH, बिकॉज SSH इज सिक्योर। एक मिनट रुकना।
11 मिनट में खत्म SSH। ओके तो क्या बात कर रहे थे अभी हम, टैलेंट SSH सिक्योर है टैलेंट सिक्योर नहीं। अब इन भाई ने एक सवाल पूछा था, सवाल ये था जैसे कि हमारे पास जब कोई राउटर होता है तो राउटर में एक कंसोल पोर्ट होता है, एक फास्ट इथरनेट 0/0 0/1 या फिर मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकते हैं डेटा इंटरफेसेस, राइट। लेकिन फायरवॉल पे देखते हैं कोई पिक्चर दिख जाए तो इसको ऐसे इमेज, ऐसे क्लियर तो नहीं दिख पाएगा। व्हाट इज दिस को एएस। अब देखो इसमें से देखो ये तो है आपके डेटा इंटरफेसेस, एक होगा कंसोल पोर्ट और एक क्या है मैनेजमेंट पोर्ट, एक अलग से पोर्ट होता है मैनेजमेंट, ठीक है। अब इन भाई का सवाल ये था कि मैनेजमेंट पोर्ट का काम क्या है। अभी मैंने जो टेलनेट SSH इनेबल किया वो कौन से इंटरफेस पे किया, डेटा इंटरफेस पे। अगर मैं डेटा इंटरफेसिस पे मैनेजमेंट सर्विसेज इनेबल कर सकता हूं तो मैनेजमेंट पोर्ट अलग से होने का फायदा क्या है। होमवर्क दे दूं या बता दूं, या तो इसे ऐसे के पे भी होगा मैनेजमेंट इंटरफेस, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। देखो ये रहा, तो अब सवाल ये है कि ये जो मैनेजमेंट इंटरफेस है और इस इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। मैं इस इंटरफेस पर भी मैनेजमेंट सर्विसेज इनेबल कर सकता हूं और इस इंटरफेस पर भी कर सकता हूं, क्योंकि इसका नाम मैनेजमेंट है तो ऑब्वियसली ये किससे यूज कर करते होंगे हम, मैनेजमेंट। तो सवाल ये है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा इंटरफेस एंड मैनेजमेंट इंटरफेस, ठीक है। सिंपल सा है, डेटा इंटरफेस कैन बी यूज्ड फॉर बोथ डेटा ट्रैफिक एज वेल एज फॉर मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट इंटरफेस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर मैनेजमेंट इंटरफेस, ठीक है। जब आप फायरवॉल पे प्रैक्टिकल करो इंटरफेस गिग 0/0 डिफरेंस बताने के लिए क्या करना, 0/0 क्वेश्चन मार्क यूज करना और उसके बाद कमांड चलाना मैनेजमेंट 0/0 क्वेश्चन मार्क कमांड यूज करना, एक कमांड दिखाई देगी एक्स्ट्रा मैनेजमेंट इंटरफेस के अंडर, सॉरी शो रन इंटरफेस मैनेजमेंट 0/0। अब आपका होमवर्क है इस कमांड का मतलब बताना है, यहीं पर बात खत्म नहीं होती, इस कमांड से ऐसा क्या होता है ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। रुको अब हैं, इसलिए कोड दिया हुआ है, हैं मतलब होमवर्क नहीं करोगे। अब इसके बाद अभी मुझे कुछ और चीज बतानी थी, हाँ राउटर वन के पास डिफॉल्ट राउट है, राउटर टू के पास डिफॉल्ट राउट है, राउटर थ्री के पास डिफॉल्ट राउट है, राउटर वन से मैं जिस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड हूं फायरवॉल के केवल उसी इंटरफेस को मैं पिंग कर सकता हूं मैनेज कर सकता हूं, मैं राउटर वन से फायरवॉल के इस इंटरफेस को पिंग नहीं कर सकता या फिर इस इंटरफेस को। यू कैन नॉट मैनेज फायरवॉल विद द ऑपोजिट इंटरफेस आईपी एड्रेस, ये सिक्योरिटी फीचर है फायरवॉल का बाय डिफॉल्ट, आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये बाद में होगा कवर, अभी नहीं, लेकिन कुछ कॉन्फ़िगर करके हम इसको इनेबल कर सकते हैं। नींद आ रही है या क्या पता चलता है, आंख बंद करके बैठ जाओ। तो देखो SSH इतना मुश्किल तो था नहीं, क्योंकि SSH हमने जब राउटर पे प्रैक्टिकल किया था डिटेल में कवर किया था, क्लियर। अब बचा HTTPS,
तो कल हम क्या करेंगे HTTPS को इनेबल, और रियल टाइम में जब भी हम फायरवॉल पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या यूज होता है, GUI क्यों यूज होता है, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन इज इजी। ठीक है, अच्छा शॉर्टकट अच्छा होता है या फिर लॉन्ग कट, मतलब शॉर्टकट अच्छा होता है या फिर जो सही रास्ता है वो अच्छा होता है, जो सही रास्ता है, चलो मान लेते एक नॉर्मल रास्ता और एक शॉर्टकट, या फिर ये कह देते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो नहीं है, नॉर्मल लिख दिया ना, शॉर्टकट बोल देते हैं इजी। अब CLI है नॉर्मल वे और शॉर्टकट क्या है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, अगर किसी को GUI से कॉन्फ़िगरेशन आती है तो वो CLI से कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी ने फायरवॉल पर सारी कॉन्फ़िगरेशन CLI से की है तो CLI तो उसको आता ही है, और GUI उसको दे दें चाहे उसने कभी भी कोई कॉन्फ़िगरेशन ना की हो तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको CLI से पता है कि अच्छा इंटरफेस पर नेम इफ IP एड्रेस ये सारी कमांड चलती हैं, आपको GUI दे देंगे तो कोई ना कोई टैब आप ढूंढ ही लोगे। GUI इज इजी, बहुत इजी है। तो कल हम GUI एक्सेस करेंगे फायरवॉल का, और उसके साथ साथ हम शायद डिस्कस भी कर लेंगे नेट और पैट स्टार्ट कर देंगे। कल क्या ट्यूजडे, तो कल और परसों चलेगा नेट पैट और देख लेते हैं ना क्या है। ट्रिपल है कॉन्फ़िगरिंग इंटरफेस कॉन्फ़िगरिंग ESM मैनेजमेंट, एक्सेस लिस्ट रह गया है ना, तो कल एक्सेस लिस्ट होगा नेट पैट नहीं होगा, उसके बाद आएगा नेट पैट। मतलब ये तो सारा कुछ ही कवर कर दिया, एक्सप्लेन भी। तो कल होगा एक्सेस लिस्ट, परसों नेट पैट, तो वेडनेसडे थर्सडे ठीक है, अगले हफ्ते VPN के बाद आपको करा देंगे NTP सिसलोग और इसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं, ये मैं करा तो दूं बट कुछ समझ में नहीं आएगा, होता ना एक बेसिक सा कर लिया तो मजा नहीं आएगा। तो NTP सिसलोग ASA VPN इतना करेंगे हम, बाकी जो भी CCNA के लिए हैं उनको मैं इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, उस जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो आप वो क्वेश्चंस भी खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे सिक्योरिटी के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको गूगल करके पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आप केवल तो टॉपिक लिखे हैं वो भी प्रिपेयर कर लोगे तो इट इज